अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई डिश के साथ हाजिर हूँ, वाइट कोरमा चिकन। उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो चिकन और पिसा हुआ ज़ीरा, कुकिंग ऑयल 1 कप, 1 पाव दही, 1 कप दूध, 15 अदद बादाम, बादाम का छिलका उतरा हुआ है, 7 अदद हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा 20 ग्राम जीरा और 10 ग्राम काली मिर्च, पिसी हुई 20 ग्राम काली मिर्च, 12 अदद लेमन का जूस, 25 ग्राम काजू कटा हुआ, प्याज 15 ग्राम, अदरक और 10 ग्राम, लहसुन, नमक हसबे ज़रूरत डालेंगे, यह बड़ी इलायची 3 अदद, दारचीनी 4 पीस और यह करीम 10 ग्राम। सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूंगी। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालती हूँ। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 साइज़, दरमियाने साइज़, दरमियाने 3 साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, वो डाल रही हूँ। जब तक इसका कलर पिंक नहीं होता तब तक मैं किचन अब मैं चिकन पे पेस्ट लगाती हूँ। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आधा किलो आपके पास चिकन हो तो फिर 10 लेमन का जूस काफ़ी है। अदरक, लहसुन, नमक हसबे ज़रूरत, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसमें जज्ब हो जाए। कम से कम 10 मिनट तक मैं इसको रहने दूंगी। प्याज का कलर तकरीबन पिंक होने वाला है। जब सारे कलर इसका पिंक हो जाएगा, इसको मैं निकाल के फिर ग्राइंड करूंगी, और भी चीज़ें ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड करने के दौरान तब तक मैं यहाँ चिकन डाल दूंगी। सारे प्याज अब पिंक हो चुके हैं, मैंने सारे प्याज निकाल लिए। अब तब तक मैं चिकन डालती हूँ ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्लेन थोड़ा सा ऑन करती हूँ। जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं होगा इसको मैं बंद करके रखती हूँ। तकरीबन ये 5 मिनट के अंदर इसका कलर, 5 या 10 मिनट के अंदर ना इसका कलर पिंक हो जाएगा। तब तक मैं बाकी चीज़ें ग्राइंड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल लिए, दही, दूध, बादाम, पिस्ता, सॉरी काजू डाला है अभी, जीरा, तेज पात के 2 पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, दालचीनी 4 पीस, बड़ी इलायची 1 अदद। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो 2 भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो। हरी मिर्च, छह अदद मैंने हरी मिर्च डाली है। अब इसको मैं करूंगी ग्राइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पिसा हुआ मैं जीरा डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाए। थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। पाँच मिनट के लिए फिर मैं इसे पकने के लिए रखती हूँ। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कलर देखूंगी, जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और जब मुझे महसूस होगा कि ये करकरा हो चुका है तब मैं और इसमें मटेरियल डालूंगी जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है। अब ये करकरा सा हो चुका है, इसमें मैं 2 चीज़ें मैंने ग्राइंड की थी वो ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकने में अब कम से कम 15 मिनट चाहिए। पंद्रह मिनट के बाद फिर इसको देखेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं तकरीबन, अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तकरीबन आखिरी मराहिल में है। अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम। फ्लेम हल्का रखूंगी।
हरी मिर्च डालूंगी 2 अदद साबित, उसके बाद इसी हुई काली मिर्च ऐड करूंगी। हाँ जी, कैसी लगी मेरी वीडियो? खुद घर में ज़रूर आजमाएं, खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब खुश रहें, शाद रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।